अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से होठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ये शब्द हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 बातें बताने वाला हूँ जो हमें कलाम साहब से सीखने को मिलती है। यकीन करना, अगर ये 10 बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप उसी रास्ते पर चल पड़ोगे जिस रास्ते से कलाम साहब ने अपने महान सपनों को पूरा किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, हालातों के सामने घुटने मत टेको। दोस्तों, अगर आपने कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कलाम साहब ने पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया। उनका बचपन गरीबी में बीता। 8 साल की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन पर अखबार भी बेचा, लेकिन उन्होंने कभी भी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन का ये पहलू हमें सिखाता है कि अभी आपके हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, कभी भी हालातों के सामने घुटने मत टेको। दूसरी बात, याद रखो कि मुसीबतें हमेशा आपको मौका देती हैं खुद को जानने के लिए। दोस्तों, अपनी बुक माय जर्नी में डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है कि उनके पिताजी के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो काफी बुद्धिमान थे और उन्होंने मुझे ऐसी बातें सिखाई थी जो मेरी जिंदगी में बहुत काम आई। जैसे कि उन्होंने कहा था, जब भी आप हारते हो या आपके सामने मुसीबतें आती हैं तो उस वक्त आप अपने अंदर छिपी खूबियों को देख पाते हो। दोस्तों, जब भी कलाम साहब मुसीबत में होते, उनके पिताजी के यही शब्द उनके दिमाग में आते जो उन्हें फाइटर जेट से निकालकर देश के सबसे बड़े ऑफिस तक ले गए। तीसरी बात, नेचर के साथ हमेशा जुड़े रहो। दोस्तों, कलाम साहब सुबह उठकर वॉक पर जाया करते थे। उन्हें सुबह उठकर सूरज को उदय होते देखना, चिड़ियों का चहचहाना और सुबह की ठंडी हवा लेना बहुत पसंद था। वो कहते थे कि उन्हें कुछ टाइम इस तरह बिताकर ऐसा लगता था जैसे वो अपनी सारी परेशानियों से कुछ समय के लिए दूर हो गए हों, और इसीलिए वो अपनी मॉर्निंग वॉक को कभी मिस नहीं करते थे। चौथी बात, अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। कलाम साहब अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि पूरी दुनिया दिन रात एक झुंड का हिस्सा बनने की कोशिश में लगी रहती है। आपको झुंड का हिस्सा नहीं बनना है, आपको वो करना है जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बने। इसलिए सबकी हाँ में हाँ मिलाना छोड़ो और कुछ अलग सोचने और करने की हिम्मत रखो। पांचवी बात, आप जो भी रिजल्ट चाहते हो उसे होते हुए इमेजिन करो। दोस्तों, कलाम साहब कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशन तभी सफल हुए जब एक इंसान ने होने वाले परिणाम को अपने दिमाग में इमेजिन और विजुलाइज किया। जब आप अपने दिमाग में अच्छे रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे और वो रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करोगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके दिमाग की इमेज को असलियत बनाने में जुट जाएंगी। इसलिए याद रखो, जैसा आपका विजन होगा वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। छठी बात, जिंदगी और समय सबसे अच्छे टीचर हैं। कलाम साहब अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि जिंदगी हमें सिखाती है कि समय को सही तरह से कैसे उपयोग किया जाता है, और समय हमें जिंदगी की वैल्यू को समझाता है। इसलिए समय की वैल्यू करो और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। दोस्तों, कलाम साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कह सकते हैं कि उन्हें किताबों से प्यार था और इसीलिए वो अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ा करते थे। दोस्तों, वो किताबें ही थी जिन्होंने एक गरीब लड़के को मिसाइल मैन बना दिया। इसलिए अपने फ्री टाइम में से कुछ वक्त किताबों को जरूर दीजिए, क्योंकि यही किताबें आपको ऊपर तक लेके जाएंगी। अगर आपको किताबें पढ़ना बोरिंग लगता है या आपके पास वक्त नहीं है तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करेगा कुकू FM, जो इंडिया का लीडिंग ऑडियो लिसनिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सैकड़ों नई नई टाइप्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी जिन्हें आप सुन सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप इन बुक्स को किसी भी लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी सभी भाषाओं में सुन सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेवल करते हुए या कोई और काम करते हुए भी इसे सुन सकते हैं। और यहाँ पर वो सभी बुक्स भी आपको मिल जाएंगी जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ हैबिट जैसी बहुत सी बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जिन्हें आपको जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, कुकू FM का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन है 399 रुपए का, जिसमें आपको सैकड़ों ऑडियो बुक्स सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप हमारा कोड MW50 यूज करोगे तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 199 रुपए में पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, एक बार ट्राई जरूर करना। अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की, वो सातवीं बात जो कलाम साहब से हमें सीखने को मिलती है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि फेल होने का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि आप किसी भी चीज को पहली बार में करके यह नहीं सोच सकते कि आप एक ही बार में उसमें मास्टर बन जाओगे। हो सकता है आप उसमें फेल हो जाओ, लेकिन उस फेलियर को एंड की तरह नहीं कोशिश करने की तरह देखना चाहिए और आपने कहाँ पर गलती की उससे सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना शुरू करोगे तभी आप सफलता तक पहुँचोगे। आठवीं बात,
जो आपका काम है उसे कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करो। दोस्तों, कलाम साहब को उनके काम के प्रति लगन और कड़ी मेहनत ने ही उन्हें एक साधारण इंसान से महान शख्सियत बना दिया। कलाम साहब कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सैल्यूट करते हैं तो आपको कभी किसी इंसान को सैल्यूट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब हम अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। इसलिए चाहे आपका काम कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हमेशा अपने काम की इज्जत करो, उसमें अपना 100% दो। नवी बात, जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया रखो। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी को अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो हमेशा पॉजिटिव रहे, जिससे उन्होंने सफलता का हर मुकाम हासिल किया। दसवीं बात, एक महान लीडर असफलता का श्रेय अपनी टीम पर नहीं डालता, बल्कि वह खुद इसकी जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों, 10 अगस्त 1979 के दिन कई सालों की मेहनत के बाद जब SLV-3 रॉकेट को लॉन्च किया गया तो वो असफल हो गया और उसका मलबा श्री हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। उस वक्त कलाम साहब मिशन डायरेक्टर थे और उन्होंने SLV-3 के असफलता की पूरी जिम्मेदारी खुद लेकर एक महान लीडर होने का परिचय दिया। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो याद रखो, परिणाम चाहे जो भी मिले, हार की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और जीत का क्रेडिट अपनी टीम को दो, क्योंकि वही एक महान लीडर की पहचान होती है। दोस्तों, ये थी कलाम साहब के जीवन से सीखने लायक 10 बातें। इन्हें अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करो और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि वक्त बर्बाद करने का वक्त ना मिले। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।